प्रेम करके छोड़ूंगा। ये आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गुरु जी, जिन्होंने इतने ऋषि मुनियों को मार पत्तियां ढेर कर दिया, फिर मेरा पौरुष और मेरा जो क्षत्रियत्व है, मेरा जो वीर रस है, वो मुझे अंदर से इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि इस समय मुझे यही प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि इनके साथ मुझे लड़ना है। ये है राम का चरित्र। हम राम को मानते तो हैं, परंतु राम को एक राम की एक मूर्ति बनाकर उस तक मानते हैं, उससे आगे जहां अन्याय मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे समाज में होता है, तो हम मुंह मोड़ करके चलते हैं, उस समय राम हमारा कुछ नहीं बनता। तो राम का मानने का ये क्या है? हम भगत सिंह के तराने तो गाते हैं, बड़ा सुंदर गीत रात नौजवान गा रहे थे भगत सिंह के जीवन का, कि उसकी माँ क्या कह रही, भगत सिंह का ख्याल है मकान में तुम्हें उठना हो जाए, ऐसी जगह तुम जा रहे हो। ये गाना गाना और भगत सिंह का वर्णन करना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान है, परंतु दोस्तों भगत सिंह के जीवन में झांक करके देखो, उसको ये सब कुछ करना क्यों पड़ा। 23 साल 17 दिन का एक नौजवान, अभी मुश्किल से मुख के ऊपर दाढ़ी पूंछ भी उग रही शुरू नहीं हुई थी विशेष रूप से, और वो इतना अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ऐसे लेख लिखता है, ऐसा विचार देता है जो आज का बहुत ऊंचा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं दे सकता। पूरी दुनिया की सांप्रदायिकता, पूरी दुनिया की भाषा समस्या, पूरी दुनिया का आतंकवाद, अर्थव्यवस्था, गैर बराबरी, उसके ऊपर भगत सिंह के लेख पढ़ो, पूरा भगत सिंह वॉल्यूम छपा है 1600 पेज का, उसको आप पढ़ के देखो, इतना बड़ा विद्वान था वो नौजवान, बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छे परिवार का एक नौजवान, और निकल रहा है 12 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ अमृतसर गया देखने के लिए, क्योंकि नवांशहर से अमृतसर बहुत नजदीक था। भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के अंदर लाइलपुर गांव के जिले के अंदर बंगा गांव में हुआ, परंतु बंगा गांव वहां भी था और बंगा तहसील यहां भारत में भी है जो नवांशहर तहसील में पड़ती है, उसी बंगा के पास में खटखड़ कला गांव है, वो खटखड़ कला गांव उसके दादा का गांव था, दादा को सरकार ने एक मुरब्बा दिया था जो लाइलपुर जिले में उसको मिला। वो भगत सिंह छोटी उम्र में अपनी बहन के साथ अमृतसर जाता है और जलियांवाला बाग का कांड देखने के लिए बड़ी बारीकी से सारे के सारे दृश्य को देखता है, और देखते देखते दीवारों में लगी वो बंदूकों के छोटे छोटे होल जो बने हुए थे उनको देखा, उस कुएं को देखा जहां पर भारत के निहत्थे नागरिक स्त्री और पुरुष जो वहां पर सुन रहे थे, योजना बना रहे थे, उनके ऊपर जनरल ओडवायर ने जिस समय फायर खोला मशीन गनों का, तो लगभग 1000 के करीब लोग उस कुएं के अंदर घायल और बेहोश होकर के गिरते चले गए, सब वहीं पर मर गए। उस जगह के प्रति उसके एक आकर्षण था, पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे या वर्तमान का कोई वातावरण उसको प्रभावित कर रहा होगा। भगत सिंह वहां और कुछ भी नहीं सोचा, उस कुएं के पास में खड़ा होकर के कोने में जाता है, एक माचिस की डिब्बी में थोड़ी सी मिट्टी डालता है और उस मिट्टी को जेब में डाल करके उस माचिस को घर आता है, और घर आने के बाद माँ पूछती है विद्यावती कि तुम गए थे देखने के लिए अमृतसर, क्या देख करके आए हो? तो बहन जो थी अमर कौर वो तो कुछ बता रही थी कि हमने ऐसा देखा, गोल्डन टेम्पल देखा और वो जलियांवाला बाग देखा और ये देखा। उस समय भगत सिंह कहता मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना मैंने कुछ से वहां पर और कुछ सीखा, मैं केवल और केवल मात्र एक चीज मैंने देखी और उसी की सौगंध खा करके मैं आया हूँ कि जब तक उस मिट्टी के अंदर उन भारत के वीरों के खून की बू मुझे आ रही है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और अपनी जेब से डब्बी निकाल करके कहता है ये है माँ जो मैं वहां से विशेष चीज लेकर के आया। छोटा सा बच्चा, ये विचार उसके भीतर काम कर रहा है, और वही बच्चा बाद में चलकर के आपके सामने उसके जीवन की सारी घटना आप सब जानते हैं। आज भगत सिंह की कथाएं तो हम कहते हैं, किस बात के लिए कहते हैं? क्यों उसकी शेखी बघाड़ते हैं? क्या केवल भगत सिंह को तो कुछ नहीं पता कि हम उसके लिए क्या कह रहे हैं? वो तो पता नहीं कहाँ है इस समय, वो मोक्ष में गया या किसी माओ के पेट से पैदा होते होते कहाँ है हम नहीं जानते, परंतु हम ये कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में, जिन माहौल के अंदर उस भगत सिंह ने अपनी जिंदगी को इस रास्ते पर चलाया था, क्या आज वो परिस्थितियां हमें मजबूर नहीं कर रही है कि हम भी भगत सिंह की अगर बात करने की बात करते हैं तो हम 2 कदम तो उसके पीछे चलने की हिम्मत जुटाए, वरना भगत सिंह का नाम लेना, दयानंद सरस्वती के बलिदान और उसके जो कुर्बानी, उनका जो संघर्ष है, तप है, त्याग है, हमें थोड़ा सा भी क्या प्रेरित नहीं करता कि हम भी ऐसा बन सके? एक अकेला लंगोट बंद ब्रह्मचारी हरिद्वार के कुंभ के मेले में खड़ा है, रेत के ऊंचे टीले के ऊपर खड़ा है और एक बहुत बड़ा कपड़ा उसके ऊपर लिख दिया पाखंड खंड नहीं पता का, पूरे इस मेले के अंदर आए हुए तमाम मंडलेश्वरों को, धर्माचार्यों को मैं चुनौती देता हूँ, आओ आप जितनी मान्यताएं आप लेकर के चल रहे हैं, सारे वेद
मैं चुनौती दे रहा हूँ, मुझसे बहस करो, चर्चा करो। अकेला एक आदमी लाखों व्यक्ति विरोध में लोगों के कानों कान बात घूमने लगी, जो बड़े बड़े मठ मंदिरों के मालिक थे, बड़े मठाधीश थे, जिनके चेले और चेलियां जाकर के मस्तक टेक करके बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहे थे, सिंहासनों पर बैठते थे, सोने के बने सिंहासनों पर बैठने वाले धर्माचार्यों की नींद उड़ गई। और उन्होंने पूछा, ये कौन है ये व्यक्ति जो आज हरिद्वार में इस प्रकार से और पाखंड खंडनी पताका फहरा रहा है और कहता है कि हमारी सारी मान्यताएं वेद के विरुद्ध हैं, पता लगाओ ये कौन है। कानों कान उनके भेदिए जाकर के पूछते थे, कौन है ये व्यक्ति? ये दयानंद सरस्वती है, विरजानंद का शिष्य है, वेद का अनुयायी है, और ये कहता है ये सारी मान्यताएं, ये गंगा स्नान के नाम पर होने वाला पाखंड, ये और दूसरे तीसरे जितने भी अंधविश्वास है, सारे वेद विरुद्ध मान्यताएं हैं, मैं चुनौती दे रहा हूँ, कोई मुझसे इस बात के लिए बहस कर सकता है? जाकर के मंडलेश्वरों को, धर्माचार्यों को, सब लोगों को जब ये बताया जाता तो वे लोग दुम दबा करके वहीं चुप हो जाते कि कौन उससे मुकाबला करे। लगता है कोई बहुत बड़ा विद्वान आ गया है जिसमें इतनी हिम्मत पड़ गई कि लाखों लोग यहाँ एक विचार के आए हुए हैं, वहां पर वो झंडा गाड़े खड़ा हुआ। अपने लोगों को, अपने भक्तों को, अपने गुरुओं को धीरे धीरे भेजना शुरू किया। ऋषि दयानंद जी अपना धुना लगाए बैठे हुए हैं, अकेले हैं, और वहां लोग आकर के वाहियात किस्म के सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारे पीछे का क्या इतिहास है, किससे दीक्षा ली है, किस संप्रदाय के तुम सन्यासी हो, तुमने वेद पढ़ाया कि नहीं, ये से ही बकवास करते हो, इन बातों को वेद के विरुद्ध बताते हो। गुंडे इस प्रकार का करते थे, वो जवाब देते तो स्वामी दयानंद के ऊपर पत्थर मारते थे, रेत फेंकते थे, और इधर उधर से सांप ला करके सांप उनके ऊपर फेंकते थे। वो एक चट्टान की तरह से खड़ा हुआ एक व्यक्ति, वो कह रहा है मेरे शरीर के अंदर एक भी खून का कतरा जब तक बाकी रहेगा, जब तक मेरे शरीर में एक भी श्वास चलता रहेगा, मैं कभी भी सत्य के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ, मैं यही बात कहूंगा। ये है असली चीज। ये दयानंद सरस्वती कहते हैं, अगर ये हिम्मत आपके अंदर आ गई तो आप कहीं भी हो, आप अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, सिद्धांत विरुद्ध बात के खिलाफ आप खड़े होकर के अपनी बात कहेंगे, पूरा जमाना आपके खिलाफ हो जाए तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तो दयानंद का नाम लेना, उसकी कथा सुनाने का हमारा कुछ अधिकार है। हम सुनाते चले जा रहे हैं, कविताएं सुनाते चले जा रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी सुनाते चले जा रहे हैं, इतिहास पुरुषों की कितनी कहानियां, राणा प्रताप इतना बहादुर था कि 8 धड़ी का भाला उठा करके लड़ता था, अरे हमसे तो डंडा नहीं उठता है, हम क्यों उसका नाम लेकर के एक अपनी बात को वैसे कायरों की तरह से राग लगा रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। परंतु एक सवाल उठता है, क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए 24 घंटा आंख बंद करके कोने में और अपनी माला जपते जपते, ओम का जप या किसी का जप करते करते इसी में जिंदगी लगा दोगे या कुछ और भी करोगे? यहां पर यह सवाल है कि आपको अपनी भक्ति, अपना ध्यान, अपने उपासना, अपने पूजा जो आप कर रहे हैं वो करते करते आपको यह भी करना पड़ेगा कि आपके जीवन में जो थोड़ी प्रगति हो रही है उसको लोगों में भी बांटते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लोगों को भी उसका हिस्सा आपके भी आपके माध्यम से मिलना चाहिए। आपको बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, उस ज्ञान को आप बांटिए। यदि आपके पास विद्या है, आपके पास शक्ति है, आपके पास धन है, वो धन और शक्ति और विद्या किसी भी रूप में आपके पास जो चीज संग्रह हो गई, आपके पुरुषार्थ से हुई, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल से हुई, जिस भी रूप में आई है, आप उसके ऊपर एक चिंतन तो ये कहता है कि मेरा अपना है, मैंने कमाया है, इसमें किसी का क्या लेना देना। और दूसरा चिंतन ये कहता है कि ये बनाई हुई सारी सृष्टि, ये पैदा किए हुए सारे पदार्थ, ये धन और दौलत, ये सारी चीजें ये उस परमात्मा की दी हुई है। ईसा अवश्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत ध्यान जगत ये नित्यते मुनि था मार्गत है कश्यस्य इतना। वेद कहता है ये सारा दुनिया जो दिख रही है, चल अचल जगत जो दिख रहा है, ये ब्रह्मांड संसार, इसमें वो परमात्मा अंदर भी है, बाहर भी, सब जगह विद्यमान है, उसी का दिया हुआ है सबको। था उसको त्याग भाव से उपभोग करो, मात्र था लालच मत करो, कश्यस्य धनम ये धन किसका है? ये धन परमात्मा का है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। हम लोग मिथुलाते, हम लोग गरीबों के ऊपर अट्टहास करते हैं, बेईमानी से, हेरा फेरी से, चोरी से, अरबों खरबों रुपया लोगों की मेहनत की कमाई का लूट लूट करके जो लोग आज
मौज और मस्ती करके और बड़े शान से अपने बच्चों को लेकर के अच्छे अच्छे विदेशों की यात्राएं करते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये धन तुम्हारे लिए है क्या? इस देश के करोड़ों लोगों की इनकम का आमदनी का जो हिस्सा है वो लूट लेते हैं लोग और उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। वो बेचारे मन महसूस के रह जाते हैं, वो नहीं सोच पाते हम क्या करें। आज समाज के अंदर यदि मनुष्य कहलाने का अधिकार है तो इन व्यवस्थाओं से लड़ना पड़ेगा। पूरे देश के नौजवान आज बर्बाद हो रहे हैं, आज उनके ऊपर पूरा आक्रमण हो रहा है। आप उसको देखें ना देखें, हमें दिखाई दे रहा है। योजनाबद्ध तरीके से लाखों करोड़ों रुपया नौजवानों को बिगाड़ने के लिए साहित्य के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और तमाम बातों के माध्यम से खर्च किया जा रहा है ताकि इस देश के सारे नौजवान नपुंसक बन जाएं, इस देश के नौजवान अपने संस्कृति से विमुख हो जाएं, इस देश के नौजवान अपने पूर्वजों के प्रति कोई भाव ही ना रखें अपने मन में और ये खाओ पियो मौज मस्ती की जिंदगी शुरू करें, ये खूब रंग रलिया मनाने लग जाए और इनको देश और किसी बात से कोई परवाह होने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये योजना दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो ताकते हैं वो किसी भी देश को जब पराधीन करने की योजना बनाते हैं, किसी देश को अंदर से कमजोर कराने की योजना बनाते हैं तो वो सारी योजनाओं का ये भी एक हिस्सा है। वहाँ के युवा वर्ग को पथभ्रष्ट कर दो, वहाँ के युवा वर्ग को अपने रास्ते से भटका दो, वहाँ के युवा वर्ग को अपनी जो विरासत है संस्कृति है उससे अलग कर दो, उसको त्याग के जीवन के तप के जीवन के बदले निराशी बना दो, उसको अयाश बना दो। ये योजनाएं जब बनती हैं तो वो देश पीछे की तरफ जाने लगता है। आज मुझे माफ करें कि हमारा देश पूरी तरह से इस मामले में और देशों के बदले बहुत पीछे जा रहा है। जहां भी दुनिया के किसी भी मुकाबले पर हम खड़े होते हैं वहां पर हम बोने नजर आते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में आज भारत सारे दुनिया के देशों के अंदर सबसे नीचे अपना स्थान लेकर के पूरी बेहयाई और बेशर्मी के साथ अपने दांत पिचका करके उनकी तरफ देख रहा है। देश में कोई आपदा आ जाए तो हम लोगों की झोली फट जाती है। हम चीन जैसे जो मक्खी खाने वालों का देश रहा, जो हमसे बाद में पैदा हुआ, 47 में हम आजाद होते हैं, 49 में चीन आजाद होता है। आज चीन के ऊपर अगर भूकंप आता है 10 लाख आदमी मर जाते हैं तो चीन अपना कटोरा लेकर भीख मांगने किसी दुनिया के देश के सामने नहीं जाता। ये भारत है जो कंबल से लेकर के दवाई और दुनिया भर की वस्तुएं भिखारी की तरह से दुनिया से ला करके और वो यहाँ के लोगों को बांटता है, और बांटना भी नहीं, उसमें बेईमान अफसर उन कमरों को दुकानों पर जाकर के बेच डालते हैं और उन गरीबों को जो मिलना चाहिए मगर वो भी नहीं देते। इतना ज्यादा गिर गया है देश मानव रूप से, नैतिक रूप से। आज हिंदुस्तान के बड़े लोग, जितने भी बड़े कहलाने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी हैं, चाहे कोई और, ये तीन ही ताकतें देश के अंदर हुआ करते हैं। करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट कैपिटलिस्ट, भ्रष्ट जो है पूंजीपति, भ्रष्ट ऑफिसर और भ्रष्ट राजनेता, इन तीनों का जो कॉकस है, इनका जो मिल, जो एक गठबंधन है, वो पूरे देश को आज कंगाल बना करके खड़ा हुआ है। तो मुझे बताओ आज आप लोगों की चुप्पी का क्या मतलब? ऐसे मामूली अपना कुछ उछल कूद कर ली, हम भी कराते हैं, आसन सिखाते हैं, लाठी सिखाते हैं। ये लाठी सीखना, आसन करना, दंड बैठक लगा लेना, ये तो हमारे लिए एक साधन है, थोड़ा सक्षम हो जाए और अच्छा हो जाए। विचार के स्तर पर जब तक हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में साफ बात नहीं होगी कि हम अगर मनुष्य हैं और मनुष्य भी आर्य युवक हैं, रीगतव धातु से बने हुए इस आर्य शब्द को यदि हम पूर्ण रूप देना चाहते हैं, गतिशील हैं, मेहनत करने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, अपनी ही आमदनी में, अपनी ही मेहनत की कमाई में विश्वास रखने वाले हैं, औरों को अपना एक परिवार का हिस्सा मानने वाले लोग हैं, उस आदमी को भी हम संवेदना से देखते हैं जिसके घर में रोटी नहीं बन रही है, भूखा प्यासा बड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या, हम बोलते तो हैं हम उनके बाद ये मंत्र, परंतु क्या आपने कभी झांक करके देखा उस पड़ोसी के घर में जिसके घर में 3 दिन से रोटी और चूल्हा नहीं जला है और आप बड़े आराम से हलवा बना करके, चूरमा बना करके, मेवे मिष्ठान खा करके सो गए, आपका आदमी कहलाने का फिर क्या अधिकार। आज ये संवेदना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हमको पैदा करनी पड़ेगी और ये संवेदना नवयुवकों में पैदा होनी बहुत आवश्यक है। पहाड़ के ऊपर पानी बरसता है और पानी बरसता है तो पहाड़ के अंदर एक युद्ध हो गया। पानी कहता मैं ताकतवर, पहाड़ कहता मैं ताकतवर, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। पानी ने कहा पहाड़ तुम मेरी बात मान जाओ, मुझे रास्ता दे दो, मुझे जाना है, तुम मेरा रास्ता मत घेरो। पहाड़ कहता है
तुम कहां जाना चाहते हो? कि मैं तो एक ही जगह जाता हूं, मेरा गंतव्य तो समुद्र है। इस जीवात्मा का गंतव्य उद्धार पिता परमात्मा है, वो भी आनंद का सागर है, पानी का सागर समुद्र है। पानी कहता है मैं तो वहां जाता हूं, मुझे कोई काम नहीं होता। तो पहाड़ में ऐंठ आ गई, घमंड आ गया, कठोरता का अपना एक वो परिचय देते उसने कहा अच्छा मैं नहीं लेता तुम्हें रास्ता, तुम्हारे अंदर दम है तो रास्ता बना दो। तो साथियों सिद्धांत ये होता है जो कठोर होते हैं वो केवल कठोर होते हैं, उनमें कोमलता नहीं होती। परंतु जो कोमल होते हैं वो कोमल तो होते ही हैं, परंतु कठोर भी उतने होते हैं जो कठोरों से भी कठोर का जवाब दे जाते हैं। और जिसने पानी में फैसला लिया कि अच्छा मुझे रास्ता बनाना होगा, जोर जोर से बरसात हुई, जोर जोर से बरसात हुई, चारों तरफ पहाड़ घेरे पड़े, गड्ढा भर गया, पानी से हिलौने लेने लगा, हवा चली, पानी खूब टक्कर दे रहा और उस पहाड़ के अंदर दरार पड़ करके वो बह निकला और गंगोत्री बन गई उसकी। गंगोत्री से निकल करके अलकनंदा और नदियां निकल करके 1000 मीटर तक उस पानी ने उस पत्थर को जो कठोर पत्थर था रगड़ रगड़ करके उसकी नाक को रगड़ करके जमीन में मिला दिया और नहर बना करके आ गया मैदान के अंदर। कहना अच्छा तुम मेरा रुतबा देखना चाहते हो, यो मैं दिखा दिया तुमको रुतबा और मैं जा रहा हूँ अपने गंतव्य की तरफ। हमने आकर के हरिद्वार के अंदर पूछा पानी तुम बड़े कामयाब निकले, कमाल कर दिया तुमने, अपना रुतबा जलवा दिखा दिया और तुमने कठोरों का जो अकड़ेल होते हैं, जो घमंडी होते हैं, जो सारे समाज को अपने उस घमंड और अपने उस रूप से दबाना चाहते हैं उनका तुमने नाक रगड़ दी, तुम तो कमाल के निकले। तो क्या तुम अब सीधे समुद्र चले जाओगे? तुम्हारा और भी कुछ काम ही है, अपने गंतव्य की तरफ भी जाओगे तुम तो, क्योंकि अपनी यात्रा पर निकले हो। पानी ने कहा मैं स्वार्थी नहीं हूं कि अपने गंतव्य के लिए निकला हुआ हूं, मेरे अस्तित्व से यदि लोग कोई लाभ लेना चाहेंगे तो मैं उनको लाभ देता हुआ जाऊंगा, मैं उपकार करता हुआ जाऊंगा, मैं परोपकार करता हुआ जाऊंगा, मुझसे नाले निकलेंगे, नदियां निकलेंगी और लोग अच्छी वनस्पतियां और खेती और फल फूल आदि पैदा करेंगे, लोगों को लाभ होगा मेरे जीवन से, मैं जीवन से लाभ देता हुआ जाऊंगा, जाऊंगा वहीं पर। और आखिर में इस प्रकार से वो गंगा, वो कोई भी नदी जो निकली पहाड़ से, वो लोगों का कल्याण करके उपकार करके अपने गंतव्य में पहुंची और समुद्र में जाने के बाद सब में मिल गया वो पानी। तो हमने हाथ जोड़ के पूछा कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, तुम अपने आराध्य देव में आ गए, अब वापिस भी आओगे या नहीं? तो कितना बढ़िया उत्तर वो पानी समझाने के लिए दे रहा कि मेरा आराध्य देव मुझे यहाँ पर कैद करके नहीं रखता, मेरा आराध्य देव भी ऊपर मोक्ष में मुझे कैद करके नहीं रखता। स्वामी जी ने कल बताया 36,000 बार जब ये सृष्टि प्रलय होगी उसके बाद वो मोक्ष का जीवात्मा फिर परमात्मा उसको यहीं पर इसी कर्म भोग में आप वापस उतारता है, फिर यात्रा करने के लिए कहता है फिर संघर्ष करो, यही जीवन का तुम्हारा सार है। पानी कहता है मेरा आराध्य देव मुझे कैद करके नहीं रखने वाला है। तो क्या करेगा कि फिर तेज सूरज निकलेगा और समुद्र से पानी उठेगा, उसी पहाड़ पर जाकर के फिर बरसेगा और मैं वहीं से फिर अपने जीवन की यात्रा करूंगा और उस यात्रा में मैं लोगों का उपकार करता हुआ यहाँ तक फिर पहुंच जाऊंगा, ये मेरा विशेष सर्कल चलता रहेगा। साथियों जीवात्मा का, मनुष्य का यही एक दायित्व है कि अगर आप पैदा हुए हो आपका भी गंतव्य मोक्ष है, परम पिता परमात्मा है, सागर है वो आनंद का, वहां जाना है। परंतु उसके जाने के लिए उस तरफ जाते जाते क्या आप केवल अपने स्वार्थ और अपनी ही मुक्ति के लिए चलते चले जाओगे या लोगों का भी उपकार करते जाओगे? यहाँ पर ऋषि ध्यान हमें शिक्षा दे रहे हैं। ऋषि ध्यान लंबी लंबी संध्याएं करते हैं, बड़ी बड़ी ध्यान लगा करके देर देर तक जागते हैं, रात भर बैठे रहते हैं, संध्या करते हैं, परंतु पूरा दिन उनका चलता है समाज के उपकार के लिए। वे विरुद्ध मत खंडन करते हैं, अंग्रेज साम्राज्य से लड़ाई लड़ते हैं, को हत्या हो रही उसके लिए लाखों लोगों के हस्ताक्षर करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख डालते हैं, रात और दिन एक ही बात की चिंता में वो खोए जा रहे हैं कि समाज को कैसे उठाऊं, इस देश को कैसे मुक्त करा दूं, ये को हत्या को कैसे बंद करा दूं और इस देश में जो गरीबी है इसको मैं कैसे मिटा दूं। मुझे वो दृष्टांत याद आता रहता है कितनी बार रात के अंधेरे में दयानंद सरस्वती गंगा के किनारे पर एक पेड़ के नीचे समाधि में बैठे, लगभग 2 बजे का समय रहा होगा। सन्यासी लोग जो ईश्वर भक्त लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, देर देर तक अपनी साधना करते हैं। उस समय एक बहन आती है और उसके पैरों की आवाज सुनकर के ऋषि की आंखें खुल गई कि रात की अंधेरे में कौन है जो अपने हाथ में कुछ वस्तु लेकर के गंगा की तरफ जा रही है। वो बोले नहीं, थोड़ी देर के बाद वो बहन वो जो हाथ में कुछ वस्तु थी उसको गंगा में डाल करके लौटने लगी। तब दयानंद सरस्वती कहने लगे, बहन रात के अंधेरे में तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या विपत्ति है
जो तुम्हें गंगा में इस समय आने की जरूरत पड़ी, दिन में आ गई और सब कुछ करती, यहाँ पर तुम और अपने हाथ में क्या थी तुम्हारी वस्तु जिसको तुम वहां डाल के चली गई। उस समय वो बहन कहती है, साधु तुम्हारा इस दुनियादारी से क्या लेना देना है, तुम अपने भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा काम है भगवान की भजन करो, उसके पास जाओ, हम तो झेल लेंगे सारे दुख दुख सारे कष्टों को, आप हमारे इस चक्कर में मत पड़ो। उस समय यदि दयानंद को यह स्वीकार हुआ होता कि मुझे क्या लेना देना है सारी बातों से, मुझे तो जाना मोक्ष में है, कोई मरे जिए, कोई भूखा है, कोई नहीं है, उससे क्या मतलब। उस समय दयानंद कहता, नहीं मैं आपकी व्यथा को सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ बात क्या है। उस समय उसने कहा, मेरा 2 साल का बच्चा बिना दवा के कई दिन से बीमार था, उसका दम तोड़ दिया, उसका पिता नहीं है, मैं विधवा हूं, मेरी आजीविका का कोई साधन नहीं, मेरे पास उस बच्चे को देने के लिए अंतिम समय में एक छोटा सा 1 मीटर कपड़े का कफन भी नहीं था, मैंने अपने साड़ी के पल्लू को तो चीर लिया और उसके अंदर उस बच्चे को लपेट करके ले आई, रात के अंधेरे में उसको डाल जाऊंगी, अपने इस पल्लू को फिर सील लूंगी, मैं क्या दिखाती लोगों के सामने हूँ कि अपने बच्चे को आखिरी समय में एक छोटा सा कपड़ा भी मैं नहीं दे पाई। जब ये बात हुई दयान परेशान विचलित हो गए और लेट में लेट लगा रहे हैं तो अपने शिष्य लोग चिंतित हो गए, आज गुरु जी को नींद नहीं आ रही है, और उनके गुरु बंदे और दूसरे आकर के पूछते हैं, महाराज आज क्या बात है, आप बहुत परेशान है, कोई पेट में दर्द है, कोई और पीड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, वैद्य को बुलाएं कुछ समाधान करें। उस समय ध्यान कहते हैं, वैद्यों के पास इस दर्द का इस रोग का इलाज नहीं है। एक दर्द जिगर में उठता है, एक दर्द जिगर में उठता है, एक टीस सी दिल में होती है, हम रात को उठकर सोते हैं जब आलम सुख से सोता है, हमें ये पीड़ा है कि आज इस समाज के अंदर एक नौजवान बहन को अपने जिगर के टुकड़े को अंतिम समय में 1 मीटर कपड़ा उसके पास नहीं होता है देने के लिए, और दूसरी तरफ अंग्रेज इस देश को लूट रहा है पूरी तरह से, इस अन्याय को इस अत्याचार को शोषण की इस दीवार को तोड़ देना है, और यही है लड़ाई जिसके लिए हमें काम करना चाहिए। उसी दयानंद सरस्वती ने किसान को राजाओं का राजा बताया, मेहनत करने वाले व्यक्ति को राजाओं का राजा कहता है दयानंद सरस्वती, ये जितने राजा हैं इनका राजा कौन है, इनका राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले, मेहनत कष्ट तबका इस देश और दुनिया का वो राजाओं का भी राजा है। बहुत बड़ा आर्थिक चिंतन, एक बहुत बड़ा राजनीतिक चिंतन, एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण दयानंद सरस्वती ने हमको दिया। आज उस चिंतन के आधार पर मैं कह सकता हूँ, जहाँ हमको आस्तिकवाद ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास और समर्पण, उसकी व्यवस्था के ऊपर पूरा विश्वास और समर्पण करके चलना है, वहां ईश्वर से विपरीत मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था को चुनौती देना है, ये गैर बराबरी, ये अन्याय अत्याचार, ये भ्रूण हत्या, ये दहेज समस्या या और आतंकवाद या दुनिया भर की और सारी प्रॉब्लम, प्रदूषण की प्रॉब्लम, आज प्रदूषण सारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की, डेनमार्क के अंदर पूरे वर्ल्ड के लोग इकट्ठे होते हैं जिसमें 5,000 लोग इकट्ठे हुए, 1,000 करोड़ यूरो उसके ऊपर खर्च कर दिया, ओबामा भी उसमें आते हैं और कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का समाधान क्या है, पिघल रहे हैं सारे समुद्र जो बर्फ के पहाड़ हैं और पिघल करके वो पहाड़ जो है वो जा रहे हैं समुद्र में, आने वाले दिनों में अगर ये पिघलना बंद नहीं हुआ, ये ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो समुद्र लगभग 150-150 फुट ऊंचा पानी उठ जाएगा और उसके आसपास बसे हुए सारे देश पानी में समा जाएंगे, बहुत बड़ी चुनौती पूरी मानवता के सामने आ रही है। आज इन सब समस्याओं को देखते हुए हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि हमारी भूमिका क्या हो सकती है। इसलिए साथियों, आप बहुत अच्छे नवयुवक हैं, परंतु अपने हृदय में सोचिए, आप अपनी जिंदगी को जरा कुछ देश और समाज के लिए कुछ लगाने का फैसला कीजिए। यूं ही रोटी खाई आराम किया, ये कोई खास जिंदगी नहीं है, ये तो बहुत सामान्य तरीके से चलते रहने का काम है, चलते रहेंगे, परंतु यदि कुछ करके दिखाना है, कुछ इतिहास को बदलना है, कुछ व्यवस्था को एक नई व्यवस्था के रूप में लेके आना है, तो आप लोगों को हृदय में कुछ करना पड़ेगा, और वो इसी शिविर में अभी आप सोच करके यहाँ से जाएंगे कि हम करेंगे कुछ करके दिखाएंगे, अंतिम दिन हम यहाँ यज्ञ करेंगे और उसमें हम में से प्रत्येक नौजवान जिसका जितना सामर्थ्य है, वो नौजवान जो ये फैसला दिमाग में बिठा सकता है, अपनी पूरी परीक्षा करके अपने आत्मबल को पूरी तरह से कसौटी पर खरा सोच करके कि मैं अपनी जिंदगी लगाने के लिए आगे आता हूँ, ये जीवन कम से कम समाज और राष्ट्र के लिए देना चाहता हूँ, वो एक नंबर पर नौजवान सबसे आगे स्वागत के होंगे, वो उस कोटि में होंगे जिनके इतिहास के पन्नों पर हम चर्चा किया करते हैं।
और दूसरे जो नौजवान आज चाहे किसी भी जिम्मेदारी में दायित्व में, उनको ये सोचना पड़ेगा मेरा ज्यादा से ज्यादा समय अपने व्यक्तिगत कार्य के बाद समाज के किसी भी उस व्यक्ति के लिए लगेगा जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जो बेचारा अत्याचार का शिकार हो रहा है, जिसकी कोई आवाज नहीं, जो बेजुबान, जिसकी कोई नहीं सुनता। इस समाज के अंदर ऐसा है महिलाएं, ऐसा है गरीब, ऐसा है बहुत सारे जो जानवर हैं। आज मांसाहार के नाम पर दुनिया में 100 करोड़ पशु रोज प्रातः काल मार दिए जाते हैं, वो भी जिन भगवान की सृष्टि के हिस्सा है। हमारे रहते इस प्रकार से अत्याचार हो जाए, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चों को गर्दन तोड़ करके खाने वाले निकम्मे लोग, उनकी अक्ल नहीं है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो सही चिंतन है वो दुनिया के अंदर फैलाना है, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। आप अपना अपना फील्ड चुने, आप अपना अपना क्षेत्र चुने, आप अपना अपना विषय चुने कि स्वामी जी मेरी तो इस विषय में रुचि है और इसमें कहीं भी जो आप बता रहे हैं ये चीजें होंगी वहीं पर मैं अड़ जाऊंगा और मैं अपना दिखा दूंगा कि मैं आर्य युवक हूँ, मैं किसी भी अन्याय को, किसी गलत बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप देखें जमाना बदलेगा और जमाना बदल करके एक नई व्यवस्था हमारे सामने आ जाएगी। ये मनुष्य होने का एक पहला आपको एक चिंतन है, मैं इस चिंतन को फिर बढ़ाऊंगा। और इस समय क्योंकि समय हो गया है, घंटी बज गई है, क्योंकि विचार बहुत उठ रहे हैं, उनको खत्म करते हुए दोबारा दूसरे वक्तव्य में इसी विचार को और आगे बढ़ाकर थोड़ा दृष्टिकोण आपके सामने फिर रखेंगे। आप सब लोगों ने सुना, अब यहाँ से अभी भोजन करेंगे, उसके पश्चात आज क्योंकि दोपहर को स्केटिंग नहीं, दोपहर बाद ठीक 2:30 बजे हम सब लोग यहाँ एकत्रित होंगे। पूज्य स्वामी जी हमें संध्या आज यज्ञ शिक्षण का, यज्ञ के मंत्रों का प्रबंध, उसके पश्चात हम कुछ अपना जो है कुछ जीवन की और कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और शाम को 4:30